तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, हम अपने टीममेट को बहुत कहते हैं भाई साहब साथ में चल लो यार, हम अकेले जाएंगे पोचंकी में, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना एनिमी लोग को, लेकिन भैया नहीं मानते हैं कैसी भी कीमत पे। तो हम अकेले ही चले आते और सबसे पहले गन ढूंढते फिर ठिलाएंगे इन बंदों को। तो गन हमें मिलेगी नहीं इतने सस्ते में, हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि भैया जब भी हम यहाँ पे उतरते ना इस वाली ट्रिपल स्टोरी में, गन अक्सर हमें नहीं मिलती है, हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है। और अब देखो गन भी मिल चुकी है, सामने बंदों के फुटस्टेप भी आने लगते हैं, तो पकड़ते हैं अब इनको। गन रीलोड कर रहे थे भैया और हमने इनको निपटा दिया। और अब देखो हमारे साथ यहाँ पे कितना तगड़ा कांड होने वाला है। मतलब तुम कहते हो ना तुम सोलो बी स्क्वाड क्यों नहीं खेलते, इसलिए नहीं खेलता मैं सोलो बी स्क्वाड। गजब बेइज्जती है। सही बता रहा हूँ, बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी। और उसके बाद हम अपनी आदत से मजबूर इंसान फिर से यहीं पे उतर जाते। तुमने कल वाले गेम प्ले में देखा, आज वाले गेम प्ले में देखा, मतलब मैं जब भी ये वाली ट्रिपल स्टोरी उतर जाऊँ ना भाई साहब, तो मुझे गन नहीं मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तुम्हारे भाई का जज्बा देखो बस तुम, मतलब मेरा सर्वाइव देखो यहाँ पे पोचंकी में भाई साहब, मतलब आधे से सर्वर तो, आधा से सर्वर तो नहीं लेकिन 25% सर्वर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी मुझे गन नहीं मिलेगी। मतलब पोचंकी में इतनी स्क्वाडें उतरी थी क्या बताऊँ भाई, तुम खुद देख लेना, मतलब मेरे खुद के कितने किल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे से पहले कितने बंदे मर जाएंगे। और यहाँ पे मैं जहाँ भी भाग रहा था ना भैया, पहले ही सामने बंदा तैयार मिल जाता और मेरे हाथों में कोई भी गन नहीं है, मतलब बचना एकदम असंभव टाइप हो रहा था। लेकिन देखो तुम्हारा भाई कैसे बच जाता है यहाँ पे। भाई साहब मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर नेड मार देता हूँ, इधर से एक बंदा स्कॉर्पियन चलाता है, लेकिन चलो जो भी हो हम बच जाते हैं। और उसके बाद भाई साहब हम सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखो अब क्या होता है आगे, एक बंदा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो देखो ये बड़ी बेरहमी से हमारी हत्या करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है, और हम एक HP पे बसते, लेकिन भैया जान बचा के भाग जाते वहाँ से भी। देखा इतना जज्बा तुमने किसी के अंदर, मतलब भाई क्या ही बताऊँ, मतलब बड़ा ही खतरनाक सीन हो रहा था यार। गन नहीं मिल रही थी, पिस्तौल मिली थी उसमें भी गोलियाँ नहीं थी। तो भैया हम अपने टीममेट को आवाज़ लगाते कि आ जाओ भाई बचा लो यार, जिंदा मार देगा कोई हमको, वैसे मारते तो जिंदा ही, मरे को कौन मारता है। अब इसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, इसने हमें पेन दे दिया, लेकिन तुम्हें भी पता है पेन से क्या ही कर लेंगे हम। तो भैया सबसे पहले वो बंदा नेड़ मार रहा है तो हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि भैया हमको गन चाहिए। तो सबसे पहले गन ढूंढ के लाते, क्या पता कोई इधर मरा पड़ा हो, उसकी लाशों में कुछ मिल जाए हमको, तो चेक करते हैं कि क्या मिलता है भाई साहब। तो देखो ये वाला डब्बा है ना बड़ा ही मजबूत था यार, इसके अंदर मतलब फर्स्ट एड किट मिल जाती है, दो शॉट गन मिल जाती है। तो अब तुम्हारा भाई अमीर हो चुका था, मतलब पहले थोड़ा गरीब था, अब थोड़ा सा अमीर हो गया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हुए अभी, क्योंकि शॉटगन तो तुम्हें पता ही है यार हम पे कैसी चलती है। लेकिन आज तुम्हारे भाई को पता नहीं कौन सा देवता चढ़ा हुआ था, भाई गंदा मारेगा इन लोगों को, देखते जाओ बस तुम। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक कर दिया जाता है, एक टीममेट गाड़ी लेके भाग जाता है। तो अब देखो तुम्हारा भाई कैसे ठेलाता है। तो मेरे पे कुछ नहीं है, ठीक है, कूद गया। देखो तुम्हारे भाई का ये क्लच देख के तुम्हें मजा आया ना, ये एक तरह से अनबिलीवेबल क्लच मान सकते हो, क्योंकि भाई साहब मेरे पास थी शॉर्ट गन जो कि मुझे चलाना बिल्कुल भी नहीं आती है। और अब तुम्हारा भाई इतना अमीर हो चुका है कि भैया जो चाहे मन करेगा चलाएंगे, अब तो हमें क्या दिक्कत है, एक के हमें गोलियाँ मिल जाएगी। और हमारा जो टीममेट यहाँ से भाग के गया था गाड़ी लेके, वो भी आ जाता है, कहता है यार तुम तो बड़े ही बहादुर हो यार, सबको मार दिया तुमने, बस एक तुम ही कहते हो कि यार तुम नूबड़े हो।
वैसे अच्छी बात है यार, तुम मुझे नुबड़ा कहते हो ना, मजा आता है यार, बहुत मजा आता है, कह दिया करो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होने को तो हम नुबड़े ही है। और उसके बाद इधर और कुछ बंदे बचे हुए तो इन्हें ठोक लेते हैं, क्या पता भैया थोड़े और किल बढ़ जाएंगे, हमारे पोचंकी को आज खाली करके जाएंगे हम, तुम देखते जाओ बस। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं, विंडो से जंप लगाते हैं, हल्का सा आगे जाते कि बंदे अपने फुटप्रिंट देने लगते हैं। हाँ, एक, एक, एक नीचे, एक नीचे। चलो एक दो तीन माता भाई, क्या सीट लेके बैठा था वे बंदा नीचे। देखो इस वाले भाई साहब को थर्ड पार्टी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, जो कि आ जाता हमें मारने के लिए, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता भाई साहब, और हम लग जाते हैं अपने टीममेट के किल कंफर्म करने में। क्या पता बहुत बंदे उतरे यार, कोई किल विल चुरा लेगा, घाटा चला जाएगा कंपनी में। और यहाँ पे एक बोर्ड दादाजी आ जाते, हमसे कहते कि भैया हमें मार लो यार, हम बहुत देर से भटक रहे हैं, तुम इतनी देर से गन के लिए भटक रहे थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे कि हमें गेमर भैया मार जाए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा लेट ही सही, मार तो दिया ना, इज्जत तो दी कम से कम तुम्हें। तो इनको इज्जत देने के बाद हम चले आते सीधा इधर की तरफ, और यहाँ पे हमारा जो नेट होता है कतई सस्ता नशा कर लेता है भाई साहब, 500-600 का पिंग हो जाता है, मतलब तुम देखो भाई हो क्या रहा है। मैंने नेड हाथ में लिया, ठीक है भाई साहब बढ़िया से एमिंग करेंगे, मस्त नेड मारेंगे, लेकिन देखो भाई साहब नेड तो इतनी देर के पीछे जा रहा है, 2-3 दिन के बाद। लेकिन जो भी हो, हम फटाक से अपना नेट करते हैं रीस्टार्ट, जो कि भाई साहब अब कर लेते हैं जल्दी से लेट के नीचे सांप बन के। और देखो कंपनी वालों को ऐसे टाइम पे ही फ़ोन करना होता है जब हम गेम खेल रहे होते हैं, वैसे नहीं करेंगे ये फ़ोन, अरे तभी करना है जब हम गेम खेल रहे, क्योंकि डाटा की जो स्पीड कम करते हैं ना, यही हरामी करते हैं भाई साहब, फ़ोन कर देंगे बीच बीच में। साला जलना चाहिए था इसमें। तो है, तो है, नीचे। खैर ये वाले भाई को भी निपटा दिया जाता है, मैंने कहा भैया तू जिंदा रह के क्या ही कर लेगा। और यहाँ पे पोचंकी में आप देख सकते हो कि 8 किल हो चुके हैं मेरे, और तुम लगा सकते हो दिमाग कि मैं उतरा था कितनी देर तक विदाउट गन भागता रहा था, तब तक मतलब कितने बंदे मर गए होंगे, तो मतलब भाई 75 तो नहीं, हाँ लगभग 35% सर्वर पोचंकी में लैंड होता है और हम उसे ठोक देते यार। और उसके बाद हम सोचते कि पोचंकी पूरी तरह खाली हो चुका है। बैंडेज है भाई, मैंने सोचा गजब इंसान है यार, हम अगर शॉटगन चलाते ना तो थोड़ी सी दूर भी गोलियां नहीं पहुंचती, और ये भाई सब शॉटगन चलाते तो पता नहीं कहां गोलियां लग जाती है। खैर शॉटगन का आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, मैंने भी स्टार्टिंग में शॉटगन से क्लच मार दिया था, तुमने देखा ही था उसे, तो अब भी अगर तुमको याद है वो वाला क्लच तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्या चला जाएगा मतलब तुम्हारा, जाएगा कुछ भी नहीं, तुम्हारे भाई के 10K हो जाएंगे और फिर तुम्हारा भाई स्ट्रीमिंग करने लग जाएगा। मतलब तुम लाइव देखना मेरे को खेलते हुए, क्या दिक्कत की बात है ना, देखेंगे ना तुम लोग, हाँ मुझे पता आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है, उसे निपटा लेते हैं यार। हाँ सामने 190 वे घर पे, वो जोन पे नहीं है वे लोग। ये बहुत सही है, बहुत सही है भाई, गाड़ी को भाग रहा है। गजब बेइज्जती है यार, मतलब आते हो हमें देखने के लिए और भाग रहे हो हमसे बिना विदाई लिए, मतलब थोड़ा इज्जत कर लो यार हमारी भी, हम भी मारना जानते हैं लोगों को यार, ऐसे बच के कैसे भाग जाओगे तुम। और उसके बाद हम आ जाते सीधा स्कूल वाले अपार्टमेंट में, और ये जो अपार्टमेंट होते हैं ना गाइज, सही बता रहा हूँ, यहाँ के कैंपर भाई क्या ही खतरनाक होते हैं, मतलब बड़े ही खतरनाक होते हैं यार। तो देखो जैसे ही हम इधर आते तो हमें बंदे दिख जाते हैं, तो पकड़ते हैं अब इनको। मैंने कहा भैया क्या कर लेंगे तुम जिंदा रह के, बहुत सरवाइव कर लिया, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट है, लूटे होंगे, बड़ी मेहनत करी होगी तुम लोगों ने, तो तुम्हारी मेहनत का फल तो देना पड़ेगा ना अब तुम लोगों को। तो मैंने कहा भैया बजाते इनकी, अब तो देखो अब कैसे बजाते इनकी।
पीछे बाके तो बंदा भाई साहब मेन बिल्डिंग है ना जो ऊपर वाली उसमें भाग चुका है, सोच रहा है कि एडवांटेज से फाइट लेंगे, लेकिन इसे क्या पता हम एडवांटेज में भी डिसएडवांटेज कर देते हैं, पेलते अब इनको। गजब की कैंपिंग चल रही है यार, मतलब मस्त कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन्हें ठोकने जाते हैं यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है। लेकिन हालात वही रहते हैं कि हम अच्छा एडवांटेज नहीं होने के कारण नहीं मार पाते, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं ऊपर से नहीं निपटा दे हमको भैया, हम उनको निपटा या हमें निपटा दे, तो मैंने कहा भैया पहले इन पे पुश कर लिया जाए। अब देखो तुम्हारा भाई कत्ते एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है, एक को ठेला देता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा भाई गन स्विच करता है दूसरा बंदा मुझे मारने लग जाता है, लेकिन मेरी एचपी देखो बिल्कुल भी कितनी गई है, लगभग 75% अभी भी बची हुई है, 65 नहीं 60 मान लो 60% बची हुई थी, और भाई साहब मैं नॉक। अब तुम सोच रहे होंगे भैया बंदे ने मार दिया सामने वाले का एम अच्छा यार, ऐसा नहीं है मेरे भाई, हमें मारने वाला ये नहीं है, किल फील्ड देखो भाई साहब अर्नब गोस्वामी नहीं है लेकिन अर्नब कौशिक ने मारा हमको, अर्नब गोस्वामी भाई साहब ने ना TFLX सेंसर और मुझे भी नॉक कराए। अब तुम सोच रहे होंगे अर्नब कौन है, तो भाई अर्नब ये हरामी है जो इधर से मार रहा है, बताओ यार मतलब नाम देखो इनका, और ये उनकी टीम का भी नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया इतना ऊपर एंगल कहां से मिल गया इसको यार, गजब बेइज्जती है यार, ऐसे कौन मारता है भाई, मतलब हम वहां फाइट कर रहे हैं ये थोड़ा नीचे आ जाते नीचे से घुस के मार लेते यार, इतना दूर से पता नहीं कहां से निशाना लगा दिया भाई। तो देखो मेरे भाइयों इतनी बुरी तरह से मरने के बाद हमें एक चीज पता चली है कि भैया दूसरे की फाइट में थर्ड पार्टी करने में जितना मजा आता है ना, तो कभी कभी दूसरे को भी मजा लेने दिया करो, जैसे आज हमने लेने दिया है। सही है यार, दूर से मार दिया वो लोगों ने, क्या कर सकते, अब हम इतने प्रो तो है नहीं कि भैया यहाँ से इनको मारे और एकदम रिफ्लेक्स में उनको भी निपटा दे, नहीं 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 इतना पाप नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा इतना पाप, तुम्हारा अगर मन है तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा भैया इतना पाप, मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो भाई।